आज बात करेंगे भाई हिट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन की। हिट्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं और वो कैसे बनते हैं, हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक होल है और हमारे पास एक शाफ्ट है, इनके हमें डायमेंशन दिए गए हैं। जो शाफ्ट है उसका 9 ± 0.1 मीन्स प्लस करके इसकी हायर लिमिट आ जाएगी और माइनस करके लोअर लिमिट आ जाएगी। इसी तरह से होल की हमें दी है 10 ± 0.5 मीन्स प्लस करके हायर लिमिट आ जाएगी होल की और माइनस करके लोअर लिमिट आ जाएगी होल की। इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी हायर लिमिट क्या आएगी शाफ्ट की, 9.1 आएगी जब हम इसको प्लस करेंगे, और लोअर लिमिट क्या आएगी शाफ्ट की, 8.9 आएगी। तो हायर लिमिट 9.1 है शाफ्ट के केस में और लोअर लिमिट है 8.9 शाफ्ट के केस में। इसी तरह से होल के केस में जब हम इसको निकाल लेंगे तो हायर लिमिट मिलेगी हमें 10.5 क्योंकि प्लस कर दिया है, और लोअर लिमिट हमें मिलेगी 9.5। तो इन दोनों के बीच में अगर हम फिट बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा, इसका जो आउटसाइड डायमीटर है हायर लिमिट कितनी है 9.1 और इसका जो इंटरनल डाया है होल का वो कितनी है 9.5। तो क्या होगा, हायर लिमिट जो 9.1 है इसकी लोअर लिमिट से छोटी है, तो ये जो फिट बनेगा वो एक लूज फिट बनेगा। लूज फिट मीन्स ये इसके अंदर लूज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। लूज फिट को हम क्लियरेंस फिट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जब ये फिट बनेगा तो ये बहुत ही लूज फिट रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे केस की, टाइट फिट की, तो हमें डायमेंशन दी गई है 10 ± 0.55 और दूसरी हमें डायमेंशन दी गई है 10 ± 0.5। तो इसकी हायर लिमिट क्या हो जाएगी 10.55 शाफ्ट के लिए और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 9.45 शाफ्ट के लिए। इसी तरह से होल के लिए भी हायर और लोअर लिमिट हम निकाल लेंगे, यह आएगी 10.5 एंड 9.5। अब ये हायर लिमिट है जो शाफ्ट की 10.5 है, लोअर लिमिट है जो होल की 9.5 है, तो काफ़ी गैप है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम फिट बनाना चाहेंगे तो वो क्या होगा, एक टाइट फिट होगा। इस टाइट फिट को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का मतलब है कि दोनों जो फिट बनाएंगे वो टाइट फिट बनाएंगे। इन दोनों के बीच में जो फिट बनेगा वो टाइट फिट होगा। अब थर्ड फिट की जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये लाई करता है दोनों के बीच में जो आपका इंटरफेरेंस फिट है और हमारा क्लियरेंस फिट है। मीन्स इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस फिट के बीच में लाई करता है ट्रांजिशन फिट। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक टॉलरेंस जोन है, आप इसको होल का टॉलरेंस जोन ले लीजिए, मीन्स हायर लिमिट ये लोअर लिमिट है। इसी तरह शाफ्ट का है, शाफ्ट का हम ले लेते हैं ये टॉलरेंस जोन जो ब्लू दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो कौन सा फिट बनता है, क्लियरेंस फिट। लेकिन अगर यही टॉलरेंस जोन इस शाफ्ट के होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर आ जाए तो कौन सा फिट बनेगा, टाइट फिट मीन्स इंटरफेरेंस फिट। अब ट्रांजिशन फिट क्या है, इन दोनों के बीच में क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो भी फिट बनेगा वो सारा ट्रांजिशन फिट होगा। ये भी ट्रांजिशन फिट है अगर टॉलरेंस जोन यहाँ पे आ जाता है शाफ्ट का, और ये भी हमारा ट्रांजिशन फिट है अगर टॉलरेंस जोन यहाँ पे आ जाता है शाफ्ट का। तो फिट्स तीन तरह के होते हैं हमारे पास, क्लियरेंस फिट जो लूज फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट जो टाइट फिट होता है, और ट्रांजिशन फिट जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।